सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आप सभी इस उत्सुकता में होंगे कि हमारा कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है या क्या चल रहा है, और दिल्ली में कोर टीम और हमारे जो साथी हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं वो अलग अलग बोर्ड के हैं, अलग अलग आरआरबी से ताल्लुक रखते हैं। तो आप सभी को कहीं ना कहीं इस चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार होगा कि किस तरीके से वो काम कर रहे हैं और क्या क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि सभी बोर्ड्स के जूनियर इंजीनियर, टेक्नीशियन, पैरामेडिकल, CMA सभी साथी हमारे साथ में हैं। और यहाँ पर करीब 25 से 30 लोग एक्टिव हैं और काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि रेलवे से रिलेटेड, खास करके बीटिंग स्टैंड वाइज से रिलेटेड जो भी हम आपको जानकारी देते हैं वो पुख्ता होती है और कहीं ना कहीं उसका सत्यता से पूरा रिश्ता होता है। तो आप लोगों को सबसे पहले तो मैं ये निवेदन करूंगा कि आप सभी दोस्त इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि अगले वीडियो जो भी हमारे अपडेट से रिलेटेड होंगे वो आपको मिलेंगे। आगे हम न्यू वैकेंसी से रिलेटेड चीज़ों पे भी काम करेंगे। जैसे ही कोई बिग अपडेट होगा तो न्यू वैकेंसी से रिलेटेड हम अपडेट आप लोगों को ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे। और हमारी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा रेलवे से जुड़े हुए छात्रों की या बेरोजगार छात्रों की आवाज़ बने, कहीं ना कहीं उनको चीज़ों को आपके सामने रखें। साथियों, एक चीज़ और मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि हम लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ के और बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए मेरा तो आप सभी से यही निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आगे इस चैनल को बढ़ाएं, ताकि आपको ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहे, अच्छी जानकारी मिलती रहे। साथियों, हम लोगों को, जैसे कि आपको पता है कि 17 तारीख को माननीय मेघवाल जी ने बोला था कि आप मंडे को आइए, तो हम मंडे 20 तारीख को जब सुबह माननीय मेघवाल जी की कोठी पर मैं, प्रेम, श्रीराम और हमारा भाई है एक और सतवीर, हम चार लोग कोठी पर पहुंचे। बाकी के साथियों को, हमारे 20-25 साथियों को हमने जो उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन के नियर में है कर्तव्य पथ, जहाँ पर हम रेगुलर बैठते हैं, वहाँ पर बैठने के लिए बोल दिया। और हम सुबह 8 बजे से करीब सुबह 10:30 बजे तक बैठे रहे। तो जैसे ही सर जब पार्लियामेंट गए तो उससे पहले वो हमें 2 मिनट के लिए मिले और सर ने मतलब कोई नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी जवाब नहीं दिया। बहुत ज़्यादा व्यस्तता थी और कहीं ना कहीं बीच में मीडिया वाले भी घुस रहे थे, तो सर मीडिया वालों से बात करके उन्होंने कहा ठीक है, वो निकल गए। उसके बाद में हमने पूरे दिन भर माननीय राजस्थान के जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष साहब हैं सतीश पूनिया जी, उनको मैंने काफ़ी बार कॉल किया, लगभग 10-15 बार दिन में, वो भी विधानसभा की कार्यवाही में उधर व्यस्त थे। तो लास्ट में जाके उनके PS ने रात को 9 बजे बात करवाई, तो साहब करीब 10 बजे आए, तो साहब 10 बजे आए तो उसके बाद में कोई उनके निजी मिलने वाले आ गए, उनके साथ अंदर घुस गए। और अंदर जब हम उनके हॉल में बैठे थे तो हमारे जो स्टैंड बाई वाले साथी हैं उन्होंने उनके जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखे थे तो उनको सबको खा के और बिल्कुल ख़त्म कर दिया। और उसके बाद में जब हम 10:30 बजे माननीय मेघवाल जी से जब मिले, उनको पूनिया जी का पता नहीं, देखो कॉल आया नहीं आया, लेकिन पूनिया जी ने यह कहा मैं कॉल कर रहा हूँ सर को, और मुझे लगता है कॉल आया तभी तो उनके PA हमें बाहर बैठे हुए, मैं, सतबीर और मेरे साथ में श्रीराम भाई था, शुभम था और अनूप भाई भी था, हमारे साथ में प्रेम था, तो हम 6 लोगों को वो अंदर लेके गए। हम 6 ही लोग थे, बाकी के लोगों को हमने दिन भर हम साथ रहे, गुरुद्वारा गए, खाना खाया साथ में, हमने रिलीज कर दिया। उसके बाद में जब मेघवाल जी सर ने जब हमसे पूछा समस्या को, तो उन्होंने सबसे पहले तो अपने PA को फटकारा। PA को फटकारने के बाद में बोला रेल मंत्री जी को कॉल लगाइए। उन्होंने रेल मंत्री जी को कॉल लगाया और वहाँ पे कॉल रख दिया। उसके बाद में 2 मिनट बाद में उधर से कॉल बैक आता है, तो उस पर उन्होंने सीधा बोला कि सर अभी BC में है। और हो सकता है, देखो हम नहीं जानते कितनी सच्चाई है, लेकिन रात के लगभग 10:15 बजे ऐसी कौन सी BC होती है, हम भी समझते हैं ये चीज़। और जब BC का नाम लिया तो हम लोग, उसके बाद में मेघवाल जी ने एक बार दोबारा अपने दोनों PA को थोड़ा सा ऐसे बोला कि आप चक्रेश जी को समझाओ, एक तो इतने लड़कों को लेकर बार बार परेशान नहीं हो, दूसरी बात कि कहीं ना कहीं उन्होंने उनको साफ बोला कि आप CRB से मिलो, रेल मंत्री जी से इस विषय में बात करो, और कम्प्लीटली जब इनका काम हो रहा है तो उसमें क्या समस्याएं मेन रूप से आ रही हैं, उस पर अधिकारियों से विस्तृत रूप में बात करो। ये राजस्थान का मामला है और राजस्थान के साथ साथ पूरे देश का मामला है युवाओं का, आगे इलेक्शन आ रहा है, सब कुछ है, और इनको जब 100% स्टैंड बाई को हम क्लियर कर रहे हैं
तो इसमें ऐसी क्या दिक्कत क्या समस्याएं आ रही हैं उन पर आप एक बार गौर कीजिए। तो उनके पीए ने सारी चीज़ें नोट की और उसके बाद उन्होंने बोला कि चक्रेश जी आपको हम कॉल करके खुद बुला लेंगे, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, 4 से 5-7 दिन में जो भी है और आपको हम आपका जो भी काम है हम आपको बता देंगे। उसके बाद हम बारिश हो रही थी दिल्ली में, आपको भी पता है कल मौसम बेहद ख़राब था, हम 10:30 बजे मेघवाल जी की कोठी से निकले, लास्ट मेट्रो थी, हमने मेट्रो पकड़ी और हम हमारे रणवीर भाई के पास में रुकने के लिए, मैं श्रीराम भाई सतवीर भाई हम उधर चले गए, प्रेम वगैरह ये इधर चले गए, हम उसके पास नोएडा रुके लगभग 1 घंटे, 11:30 बजे हम नोएडा पहुँचे, वहाँ भी बारिश हो रही थी। फिर हम जाके रणवीर भाई ने हमारे लिए खाना पैक करा के रख रखा था, हमने भाई के पास जाके खाना खाया, खाना खाने के बाद में हम लोग सो गए। सच बता रहा हूँ इतनी थकान हो गई दिन भर की कि हम लोग, इनका पता नहीं, मैं तो 7:30 बजे उठा था, उठते ही मैं श्रीराम भाई फ्रेश होने गए थे, उनको फ्रेश होने के आने के बाद मैं फ्रेश होने गया, फ्रेश होके आने के बाद मैं सीधा नहा के हम इतना जल्दी निकले कि सुबह एग्जैक्ट 9 बजे हम माननीय सांसद महोदया और स्टैंडिंग कमेटी मेंबर दिया कुमारी जी का हमारा अपॉइंटमेंट था सुबह का, तो हम दिया कुमारी जी के आवास पे सभी 20-25 लोग इकट्ठा हुए। इकट्ठा होने के बाद में वहाँ पे हमने मैंने उनके पीएस को बोला कि आपके कंसल्टेंसी क्षेत्र से आए, मैं मैडम से पहले भी जयपुर में मिला हूँ, हमारे उस पर क्या वर्क चल रहा है, क्या मतलब क्या आगे का अपडेट है जो भी है। तो पीए उनके मन सांसद महोदय के जो पीए हैं श्रेयांश जी को मेरी बात हुई तो उन्होंने बहुत अच्छा आदर सम्मान दिया हमें, जाते ही सबको पानी पिलाया, बिठाया, चेयर्स वगैरह लगा के उसके बाद में चाय भेजने के बाद में फिर उन्होंने ब्रेकफास्ट हमारे लिए समोसे ब्रेड पकोड़ा और सब्जी वगैरह सबका इंतजाम किया, बहुत अच्छे से उन्होंने नाश्ता करवाया, नाश्ता करवाने के बाद एक बार फिर चाय पिलाई, चाय पी के हम वहाँ पे बैठे रहे तो उन्होंने कहा मैडम 12:30-1 बजे आएंगी। जब मैडम 12:30-1 बजे आई तो मैडम से मैंने पूरी बात पहले की, मैंने कहा मैम हम आपसे 17 फरवरी को मिले थे, तो मैम ने कहा मैंने इस विषय में रेल मंत्री जी को एक पत्र भेजा है और मैंने समय भी लिया था, बट मैं किन्हीं निजी कारणों की वजह से और कुछ और कारणों की वजह से मैं यूएन गई थी, तो मैं काफ़ी दिनों बाद यूएन से आई हूँ और अब मैं समय लेके 1-2 दिन में आपके विषय में रेल मंत्री जी से मिलूंगी। मैंने कहा मैम आप इमीडिएट सीआरबी सर को कॉल कीजिए कि लाहौटी जी को ये 100% अजमेर बोर्ड की तरह क्लियर करने के लिए आदेश निकलवाइए 100% के, क्योंकि हमने सभी आरआरबी और जोनल रेलवे को जो विजिट किया है और कहीं ना कहीं वहाँ से जो रेस्पॉन्स आया है कि आप लोग 100% का आदेश लेके आइए, हम लोग जो स्टैंड बाई है उसको क्लियर करने के लिए तैयार हैं। तो उस चीज़ के लिए जब मैंने मैडम को अच्छे से बताया, पूरी चीज़ जानकारी दी, तो मैडम ने मेरे को बोला कि अच्छा ये समस्या आ रही है, तो उन्होंने तुरंत सीआरबी सर को कॉल लगाया, तो सीआरबी सर वहाँ बीसी में थे, मीटिंग में थे, जो पता नहीं किस चीज़ की मीटिंग होती है, लेकिन उन्होंने फिर मैडम ने उनके पीए को बोला कि इनको मैसेज छोड़ो कि इमीडिएट ये मीटिंग होने के बाद में मेरे से बात करें। मैडम ने कहा 1-2 दिन में मैं इस विषय में माननीय रेल मंत्री जी से मिलूंगी और मिलके और जो भी निस्तारण होगा, इतना है जब अजमेर बोर्ड को 100% क्लियर किया है तो राजस्थान के और भी लड़के जो 1400-1500 में से जो 700-800 लड़के जो बचे हैं राजस्थान के जूनियर इंजीनियर के, और जो 3000 में से जो टेक्नीशियन में लगभग 700-800 लड़के जो राजस्थान के बचे हैं, तो सभी लड़के सभी बोर्ड में हैं, तो सभी 21 आरआरबी का भी 100% क्लियर होगा, आप निश्चिंत होकर जाइए। मैंने कहा मैम हम बार बार आपके पास आना नहीं चाहते और मुझे बेहद दुख इस बात का है, मैडम ने मैं पहले भी जयपुर मिला था तब और अब, उन्होंने कहा कि अजमेर बोर्ड वालों का मैंने काम करवाया, उनके लिए मैंने फ़ोन किया, प्रयास किया और वो लोग मुझे धन्यवाद तक देने नहीं आए, मुझे शर्म आती है इस चीज़ पर कि हमारे साथी ऐसे भी हो सकते हैं, लेकिन शर्म जब उनको नहीं आती तो किस बात की शर्म, पर शर्म ये सब कुछ नहीं होती है, सोचना चाहिए, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, एहसान फरामोश नहीं बनना चाहिए। मैंने मैम को वादा किया, विश्वास दिलाया कि हम आपका बहुत अच्छा स्वागत सत्कार करेंगे, आने वाले समय में आपका साथ देंगे, पार्टी का साथ देंगे, तो मैडम ने बहुत अच्छा पॉजिटिव रेस्पॉन्स रहा। उसके बाद में हम वहाँ से निकलने के बाद में श्रीराम भाई और पूरणकांत जी के प्रयासों से माननीय जो बालकनाथ जी अलवर के जो सांसद हैं उनसे हमारा अपॉइंटमेंट था 3 बजे का, हम उनके वहाँ आवास पे पहुँचे, आवास पे पहुँच के हमने वहाँ पे चाय नाश्ता किया, चाय नाश्ता करने के बाद में उन्होंने कहा बाबा आएंगे 4 बजे तक, तो हम बैठे रहे, जब बाबा
आए तो बाबा ने हमें अंदर बुलाया, बहुत अच्छे से हमारी बात को उन्होंने सुना मीटिंग होने के बावजूद भी, क्योंकि उनकी भी जस्ट पार्लियामेंट से आए थे, उसके बाद में कहीं मीटिंग में जाना था बाबा को, लेकिन उन्होंने हमारी बात को विस्तार से सुना। सुनने के बाद में मैंने कहा सीआरबी साहब को कॉल लगाइए, तो उन्होंने तुरंत सीआरबी साहब को कॉल किया, कॉल हमारे सामने ही किया, बिल्कुल लाउड स्पीकर था, मेरे और भी साथी थे। जब उन्होंने कॉल किया तो कि साहब अभी मीटिंग में है, पहले बीसी चल रही थी उसके बाद मीटिंग थी, हमने कॉल करवाया। उसके बाद में उन्होंने कहा, पूरा मैटर बाबा ने लिख लिया, हमारा मेमोरेंडम लिया, कि मैं कल सुबह कॉल करूँगा और हम एक बार फिर वापस बाबा के पास कल सुबह जाएंगे। ठीक है साथियों, बाबा से मिलने के बाद में हम जो एक पश्चिमी बंगाल के बीजेपी के एमपी हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं और पहले पश्चिम बंगाल के प्रेसिडेंट भी रहे हो युवा मोर्चा के, और काफ़ी यंग एमपी हैं, आप भी उनको जानते होंगे, सौमित्र खान जी। तो हम उनके पीएस से मिले, पीएस को हमने सारा मैटर हमारा बताया, तो उन्होंने साहब से बात की इस विषय में। और ख़ास करके मैं आप लोगों को स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ, जो मेन समस्या आ रही है सिलीगुड़ी बोर्ड जो जो एनएफआर जोन में आता है, कोलकाता बोर्ड और साथ में मालदा बोर्ड, तो इनके लिए इनके जो जोनल रेलवे हैं ईसीआर ईआर और एनएफआर, इनमें हम लोगों ने जीएम को कॉल करने के लिए बोला है तीनों को, और साथ में ही हमने सीआरबी सर को 100% स्टैंड बाई को क्लियर करने के लिए बोला है, क्योंकि हमने उनको बताया कि पश्चिम बंगाल और बिहार के लड़के, आपकी कंसल्टेंसी क्षेत्रों के तथा आपके एरिए के लड़के सभी 21 RRB में फंसे हुए हैं। तो साहब से हमारा दोबारा 5:30 बजे का अपॉइंटमेंट था, लेकिन वो एक सांसद के साथ उनकी ऑलरेडी एक मीटिंग फिक्स थी 5:30 बजे, तो साहब वहाँ निकल गए। कल हो सकता है वो कल हमसे मिलें और हम बैठ के NFR ECR ER तीनों जो सिलीगुड़ी बोर्ड मालदा बोर्ड और कोलकाता बोर्ड, इन रीजन में हम कॉल करवाएंगे जीएम को PCPOs को, और हम सीआरबी सर को भी कॉल करवाएंगे कि इनमें भी 100% किया जाए, ताकि यहाँ से पहले सीटें नहीं देना, उल्टी सीधी जो समस्याएं आ रही थी उनका निस्तारण किया जाए। साथियों उनसे मिलने के बाद में हम लोगों का अपॉइंटमेंट माननीय जो मेरे खुद के सांसद हैं करौली धौलपुर के माननीय मनोज राजौरिया जी, उनसे हमने बात की, तो उन्होंने अपॉइंटमेंट दिया हमें शाम को 7 बजे का। तो हम उस बीच में हम लोग दीपेंद्र जी हुड्डा जो कि कांग्रेस से राज्यसभा सांसद हैं हरियाणा से और पूर्व हरियाणा के जो सीएम हैं उनके बेटे भी हैं, तो हम हुड्डा साहब के कोठी पे गए। कोठी पे जाके हम बैठे, तो जैसे ही हम पहुंचे तो साहब और भी वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, उनसे मिलने के लिए बाहर आए। और चूंकि मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि दीपेंद्र जी हुड्डा ने पहले हमारी बात को राज्यसभा में रखा है, मीडिया प्रिंट मीडिया में भी रखा है, जिसके मैं आप लोगों को ग्रुप में फोटोज भी डाल दूंगा, और दीपेंद्र जी हुड्डा को ये मामला कहीं ना कहीं पहले से पता था, और उन्होंने रेगुलर पार्लियामेंट में क्वेश्चन भी किए हैं इस चीज़ पे, चाहे पार्लियामेंट चला है नहीं चला है, लेकिन उनके क्वेश्चन भी सेलेक्ट हुए। तो दीपेंद्र जी हुड्डा को मैंने सारा बात और विषय को जब बताया, तो उन्होंने सब विषय जानने के बाद में उनके जो पीएस हैं साहिल जी, उन्होंने कहा कि मीणा जी आप सारी चीज़ें साहिल जी को नोट करवा दीजिए। और जब हमने सारी चीज़ें साहिल जी को नोट करवा के और श्रीराम भाई ने क्या नोट किया है जो भी है, उनका फोटो भी मैं ग्रुप में डाल दूंगा कि हम किस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, तो खुद माननीय दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने बोला है कि मैं कल मॉर्निंग में एक बार सीआरबी साहब से इस विषय में जाके बात करूंगा और बोलूंगा कि जब अजमेर बोर्ड को क्लियर किया गया है 100%, तो अदर RRB को भी 100% कहीं ना कहीं क्लियर करना चाहिए आपको, और जल्द से जल्द क्लियर करना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे 3 साढ़े 3 साल से दर दर भटक रहे हैं, क्योंकि खुद सर को तो पता है, क्योंकि 3 साल से तो मैं भटक रहा हूँ उनके सामने और उससे भी 6 महीने पहले से। तो साथियों आप लोगों को बिल्कुल निश्चिंत रहना है, किसी भी तरीके की कोई चीज़ मन में नेगेटिव पॉइंट नहीं लाना है, आपके लिए आपकी पूरी कोर टीम काम कर रही है। दीपेंद्र जी हुड्डा से मिलने के बाद में हमने चाय पी, और चाय पी के हम क्या बीच बीच में एंजॉय कर लेते हैं, जैसे हम चाय पी लेते हैं, जिनको चाय पीनी होती है, जिनको सिगरेट पीनी होती है वो सिगरेट पी लेते हैं, और जब हमारा मन आइसक्रीम खाने का है मान के चलो 10-10 रुपये की, तो आइसक्रीम भी खा लेते हैं, इससे क्या है टीम में एक जोश बना रहता है। दूसरी बात, ट्रैवलिंग हम एक साथ ही करते हैं, तो वो सब कोर टीम ही देखती है, और उसके बाद में फिर हम माननीय मनोज राजौरिया जी मेरे सांसद साहब हैं उनकी कोठी पर पहुंचे 7 बजे, तो 7 बजे से हमने लगभग 8 बजे तक उनका वेट किया। फिर उनके पीएस ने बोला कि साहब किसी निजी कारण की वजह से अभी कहीं निकल गए हैं, आप सुबह 9 साढ़े 9 बजे एक बार आकर और सांसद साहब से मिलिए, आपका विषय में पहले ही आपका लेटर दे जाइए, मैं ब्रीफ कर दूंगा, और एक बार आप आके पुणे साहब से मिलिए,
हमारा सुबह पुणे जाकर एक तो माननीय मनोज राजौरिया जी से कॉल करवाना मोस्ट सीआरबी सर को, और 100% के लिए लेटर निकले, जल्द से जल्द इस विषय में बात करेंगे। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, जो सौमित्र जी हैं, सौमित्र खान जी बंगाल से जो एमपी हैं, उनसे एनएफआर, ईसीआर और ईआर और एसडब्ल्यूआर जो भी जोन है उधर के रीजन के, वो और मैं एक बार सुबह चेक कर लूँगा। खास करके सिलीगुड़ी बोर्ड, मालदा बोर्ड और कोलकाता बोर्ड के लिए हम उनसे कॉल करवाएंगे, जेएम और पीसीपीओ को। और कल उसके बाद में देखिए, जैसे कि माननीय चिराग पासवान जी से हम दम दम पूरी अपनी दम और ताकत के साथ मिले थे, आप लोगों को पता है। और उनके पीएस से जैसे हमारे रेगुलर वो टच में हैं, लेकिन कोई क्विक एक्शन नहीं हो रहा, तो आज मैंने भी और प्रेम ने भी, दोनों ने उनके पीएस को भी, प्रेम अपनी ताकत लगा रहा है, मैं अपनी ताकत, मैंने उनके पीएस को क्लियर कट बोल दिया। या तो सर आप सीधा सा, आपने बोला था कि 2 दिन दो लड़कों को मैं रेल मंत्री जी से मिलवा दूंगा और इस मामले को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करवाऊंगा और आपको बहुत अच्छी खबर मिलेगी। तो मैंने जैसे ही उनके पीएस को बोला कि 700-800 लड़के दोबारा आ रहे हैं, या तो आप इस मामले को सॉर्ट आउट करवाइए या आप ये बोल दीजिए आपसे नहीं होता है। तो माननीय पासवान जी के पीएस ने हमें कल का समय दिया है। चूंकि मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जैसे कि कल नवरात्रा स्थापना है, छुट्टी रहेगी, फिर भी हम कम से कम 4 से 5 इम्पोर्टेंट एमपीज को टारगेट करने की कोशिश करेंगे। और हमारा ऑलरेडी शाम का, कल शाम का फिक्स प्रोग्राम है, माननीय सुमेधानंद सरस्वती जो स्वामी जी हैं, उनके जो गुरु भाई हैं संपूर्णानंद स्वामी जी, आप इंटरनेट पे सर्च करके देख सकते हैं, उनसे मेरी वार्ता हुई है और वो हमारे अच्छे मिलने वाले हैं। तो माननीय संपूर्णानंद जी ने हमें बोला है कि मैं मेरे गुरु भाई को मैं बोलूँगा, आप लोगों के साथ मैं चलूँगा, और मैं उनको 1-2 दिन में रेल मंत्री जी से मिलकर और इस विषय को संपूर्ण तरीके से एक साथ पूरा करने की कोशिश करेंगे। आपके लिए साथियों, आपकी पूरी कोर टीम दम दमखम के साथ लगी हुई है, आपकी तरह इन लोगों को भी, जो मेरे साथ में 20 से 25 लोग दिल्ली में काम करें, इनको भी काम है। आप लोग घर बैठे हो, इनका आप समझते हो, ये अपने डेस्टिनेशन से रोज रेल भवन तक आते हैं, इनका खुद का किराया खुद देते हैं, आपको बता देना चाहता हूँ। दूसरी बात, ये लोग अपना सब कुछ छोड़ के और दिल्ली में पड़े हुए हैं, किसके लिए? आप लोगों के लिए, ठीक है। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इन लोगों का ये पता नहीं, देखिए साथियों ऐसा नहीं है, आप लोग देखो हमें 100, 200, 300 फंड भी डाल रहे हो, ऐसी बात नहीं है, मैं आप लोगों को ये चीज़ नहीं कहूँगा, लेकिन साथियों हम लोग हर चीज़ को आगे से आगे देख के चलना पड़ता है, क्योंकि ये लड़ाई यहीं खत्म नहीं हो जाती है, लड़ाई अभी आगे भी लड़नी है, और तब तक लड़नी है जब तक एक एक स्टैंड बाई में, चाहे जेई हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे पैरामेडिकल हो, सीएमए हो, हमारा एक भी साथी नहीं बचना चाहिए। मेरा एक ही उद्देश्य है और मेरी कोर टीम का भी यही उद्देश्य है, स्टैंड बाई मुक्त रेलवे, और यह हमारा विजन जल्द पूरा होगा। क्यों पूरा होगा? क्योंकि देखो कई बार मैं नर्वस हो जाता हूँ, लेकिन मेरी कोर टीम में जो मेरे भाई हैं, मेरे साथी हैं और मेरे ऐसे दोस्त हैं मेरे साथ में, कि ये मुझे कभी नर्वस नहीं होने देते। तो मैं आप सभी साथियों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आपके दिल को थाम के रखें और बिल्कुल किसी भी तरीके से दिल नहीं तोड़ें अपना, बिल्कुल भी निराशा नहीं लाएं मन में, जिंदगी बहुत बड़ी है और सभी बिल्कुल, ये तो किसी को सोचना ही नहीं है। बहुत से लड़के मुझे मैसेज करते हैं, सर स्टैंड बाई क्लियर नहीं हुआ तो सुसाइड कर लेंगे, ये कर लेंगे। जब मैं ये मैसेज पढ़ता हूँ या देखता हूँ, मुझे बहुत हताशा होता है, बहुत दुख होता है कि मैं किन लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, इतने कमज़ोर लोगों के लिए, बहुत मुझे दुख होता है। साथियों आप सभी के माओं की, आप सभी की बहनों की, आपके भाइयों की, आपके वृद्ध पिताजी की, सबकी दुआ है मेरे साथ और मेरी कोर टीम के साथ, हम कभी इस काम में असफल नहीं होंगे। देर भले ही लग जा, एक एक स्टूडेंट की सबकी नियुक्ति होगी। पहले हमारे सुनने में आ रहा था कि डीजल वाले बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है और लड़कों को दिक्कत आ रही है, किसी जोन में ये दिक्कत आ रही है, लेकिन जो इंटरनली इंटेंशन है, जो सीपीओज का मिल रहा है और जो आरआरबी के चेयरमैन का जो इंटेंशन हमें मिल रहा है, और हम दिल्ली में जो रेल भवन की ओर से जो इशारे मिल रहे हैं अंदरूनी मेरे को, उसमें क्लियर ये है कि 100% क्लियर कर रहे हैं सभी को, लेकिन हमें चुप नहीं बैठना है। और कब तक चुप नहीं बैठना है? जब तक हमारा एक एक साथी सेलेक्ट नहीं हो जाता। साथियों मैंने कभी किसी को गुमराह नहीं किया, झूठ नहीं बोला, मैं जो करता हूं मुंह पे करता हूं। कुछ चीजें मेरे को हमारे बीच गलतफहमियां क्यों हुई थी, कुछ चीजों की वजह से, आज 2-3-4 दिन पहले की कोई गलतफहमी थी, आज हम, मैं प्रेम वगैरह हम साथ बैठे, मैंने प्रेम को बोला, और भी लड़के बैठे थे, मैंने कहा ये बात चल रही थी, क्या मैंने इसमें कुछ झूठ बोला? क्योंकि मेरे सामने एक बात आई थी कि प्रेम भाई ने
मुझे रणबीर ने बोला कि प्रेम भाई ने बोला कि उस दिन मेघवाल जी के पीए ने बोला ही नहीं कि 3-4 दिन में लेटर आ जाएगा, रिंकू ये बात बनाया। मैंने कहा मेरे मुंह पे बुलवा दे, क्योंकि मैं जो भी बात करता हूँ, मैं लड़कों को बोलता हूँ मेरा वीडियो बनाओ, हो सकता है और सबको डालेंगे ना वीडियो, क्या दिक्कत है। क्योंकि ये चीज़ें हम कोई काम गुप्त तरीके से नहीं करते, जो करते हैं ओपन चैलेंज करते हैं। और ना मैं किसी एमपी से डरता, ना मैं किसी से डरता, क्योंकि हम सच की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये हमारे हक की लड़ाई है, और हमारे हक की लड़ाई है ये, आप सबके हक की लड़ाई है, और अपने हक के लिए लड़ना कोई गलत बात नहीं है। तो साथियों आप सभी को अभी कोर टीम, आज 20 तारीख हुई है, 21 तारीख हुई है, 21 तारीख हो गई है, 22, 23, 24, हम 3 दिन आप लोगों के लिए काम करेंगे। उसके बाद कोर टीम 7 डेज, 7 से 8 डे का हम टाइम देंगे बीच में, कि इसका क्या एक्शन होता है रेल भवन की ओर से। जो माननीय दिया कुमारी जी मिलेंगी, मनोज राजौरिया जी मिलेंगे, बाबा बालकनाथ जी मिलेंगे, खान साहब मिलेंगे, और उनके अलावा जो भी जिन एमपी से, जैसे हम सुमेधानंद सरस्वती जी से मिलेंगे, वो मिलेंगे, इसका क्या रिएक्शन आता है रेल भवन की ओर से, क्या प्रतिक्रिया आती है, क्या कोई वाकई में 100% क्लियर करने का पत्र आता है, या पत्र नहीं आता है तो बोर्ड की तरफ से कोई रिजल्ट आता है, या क्या चीज होती है, उन सब का हम वेट करेंगे। और अगर पॉजिटिव और ऐसा नहीं हुआ तो हम बिग मूवमेंट हो सकता है राजस्थान में करें। तो मेरा आप सभी साथियों से निवेदन है, उसके बारे में क्या मूवमेंट रहेगा, किस तरीके से करेंगे, वो सब बाद के विषय हैं, हम उन पर अभी चर्चा नहीं करेंगे। तो उस चीज की जानकारी आपको आगे से आगे दे दी जाएगी। अंत में मैं सभी साथियों से एक चीज बोलना चाहूंगा, ये लड़ाई यहीं पे खत्म नहीं हुई है, और 25 से 30 लोगों की कोर टीम आपके लिए रेगुलर वर्क कर रही है। तो आप सभी लोग जो दूर दराज के हैं, जो आ नहीं सकते हैं, तो आप सभी कोर टीम की हेल्प कीजिए। कोर टीम की कम्युनिटी पोस्ट में फोन पे, गूगल पे के नंबर डले हुए हैं, QR कोड डला हुआ है। आप लोगों से कोई फिक्स नहीं है कि आप हमें 100 रुपये डालें, 500 रुपये डालें, 1000 रुपये डालें, जो आपकी श्रद्धा है आप सहयोग करें। दूसरी बात, हमें दिन भर में बिल्कुल परेशान नहीं करें, मैसेज करके, कॉल करके, किसी भी, मुझे हर बोर्ड का, चाहे बेंगलोर बोर्ड हो, चाहे गोरखपुर बोर्ड हो, चाहे कोलकाता बोर्ड हो, जम्मू बोर्ड हो, सारे बोर्ड मेरे लिए एक हैं, सारे स्टूडेंट मेरे लिए एक हैं, और मैं सभी के लिए काम कर रहा हूँ। मैं हमेशा 100% स्टैंड बाई क्लियर करने के पक्ष में रहा हूँ। एक बार मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा सभी NR वाले साथियों को, NCR के लिए, जो अलग से कॉल कर रहे हैं, अपने रीजन पे इतना प्रेशर करवा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो प्रेशर सबके लिए हो रहा है, क्योंकि वो CRB को भी कॉल करवा रहे हैं, PCPOs को लिए भी कॉल करवा रहे हैं। और जो आपको और उचित लगे, कोई आपके बोर्ड का लीडर हो जो आपके लिए काम कर रहा हो, तो आप उसको भी फंडिंग कर सकते हैं। मेरी ओर से किसी को कोई पाबंदी नहीं है, सभी काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग तन मन धन से लगे हुए हैं। और ये सभी साथी, आप बिलीव नहीं करोगे, इतने अच्छे हैं कि दिन भर हंसी खुशी, आप बिलीव नहीं करोगे, सुबह से शाम कब हो जाती है हमें पता नहीं चलता, और हम सभी यहाँ पे बहुत हंसी खुशी रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और हमें काम करना है। और आप सभी निश्चिंत रहें, ग्रुप में बार बार उल्टी सीधी नेगेटिव भ्रांतियाँ नहीं फैलाएं, आप लोगों का काम हो रहा है। तो मैं सभी साथियों से एक बार पुनः यही कहूँगा, धन्यवाद साथियों, आप जो साथ दे रहे हो उसके लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं तो आया